जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा। सत्यभंजन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग सत्यभंजन यूट्यूब चैनल में प्रकाशित होने वाले एक वीडियो का अनुवाद करने वाले हैं। इस वीडियो में सत्यभंजन और मालिका के गवेषक श्री पहली बाबा का बातचीत का हम अनुवाद करेंगे। 2023 में जैसे जल प्रलय चल रहा है, जैसे भारत के बहुत भिन्न भिन्न जगहों में जल प्रलय हो रहा है, वो बस इंसानों के लिए एक संकट नहीं है, वो धर्म के ऊपर भी एक संकट है। तो पहली बाबा बताते हैं, अगर 2023 से हम शून्य को हटा के दो दो और तीन को जोड़े तो वो 7 अंक का होता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो 7 शनि का स्थान है। शनि एक पाप ग्रह है। शनि, राहु, केतु, मंगल, रवि सब पाप ग्रह है और पाप ग्रह की गिनती में भी आते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र वो सब शुभ ग्रह की गिनती में आते हैं। पहली बाबा बताते हैं, अगर सप्तम स्थान में अगर शनि रहता है तो उसके कुछ लक्षण होंगे, जैसे वृद्ध महिलाओं का शादी होगा, पति पत्नी का संपर्क अच्छा नहीं होगा, शादीशुदा पत्नी घर छोड़कर चली जा सकती है, तो ये सब शनि के बहुत खराब लक्षण होंगे। लेकिन अगर शनि कुछ शुभ ग्रह के साथ रहता है तब ज़्यादा कुछ खराब नहीं होगा। ये सब हम इंसानों के बारे में बताएं, लेकिन अगर हम देश के बारे में सोचें तब शनि के साथ जो भी पाप ग्रह रहेगा वो उस देश को बहुत हानि पहुंचाएगा, और ये सब प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत सारी होंगी। अभी हम देख सकते हैं 23 अंक में, जो 2023 है, 23 अंक में जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, जैसे उत्तर भारत में हो रही है, पूरे जल प्रलय हो रहे हैं, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में हम मालकानगिर में भी लैंडस्लाइड देखे हैं। पहली बाबा आगे बताते हैं, अगर हम भारत को 12 राशि में विभाजित करें और 27 नक्षत्र में विभाजित करें, और जिस जिस जगह शनि, राहु, केतु, मंगल, रवि जो जो पाप ग्रह हैं वो होंगे, तो बहुत बर्बादी लाएगी और विपत्तियां बहुत सारी लाएगी उस जगह पर। भगवान के पास बहुत सारे अस्त्र हैं, जैसे 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, आग, वायु, आकाश। ये 5 तत्व से बहुत सारे हानियाँ होने वाली हैं, जैसे जल से जल प्रलय, जैसे पृथ्वी से आपका भूकंप होने वाला है या भूस्खलन होने वाला है, जैसे वायु से आपका चक्रवात होने वाला है, जैसे आग से जंगल, घर, हर जगह आग भी लग सकती है, और आकाश से आपका गड़गड़ाहट और चमकना, आपका जो लाइटनिंग है, जो बिजली चमकना, वो भी हो सकती है। ये सब 5 तत्व से बहुत सारे ऐसे ऐसे नकारात्मक संकेत मिलेंगे या नकारात्मक चीज़ें होंगी जो हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। बाबा आगे कहते हैं कि बिजली चमकना और गड़गड़ाहट जो होने वाली है उससे लोग डर के मारे मर जाएंगे। एक एक दिन में 100-100 गड़गड़ाहट होने वाली है, जिसके वजह से लोग डर जाएंगे, घर हिल जाएगा, और जिन लोगों का दिल का दौरा है वो दिल के दौरे से मर जाएंगे। तो बिजली भी वैसे बहुत सारे चमकेगी जिससे आपके प्राण भी हानि होने वाले हैं। सब 5 तत्व, जल, पृथ्वी, आग, वायु, आकाश, सब एक साथ कहर डालेंगे, और जिससे बहुत सारे प्रलय होने वाला है, बहुत प्राण होने वाली है। ये सब बाबा बोलते हैं आगे आने वाला है। अभी जो हो रहा है वो बहुत छोटे आकार में हो रहा है, छोटे छोटे जगह हो रहा है, लेकिन अब जो होने वाला है आगे, जो 5 तत्व एक साथ आने वाले हैं, वो बहुत सारे हानियाँ करेंगी, बहुत सारे प्राण हर लेंगी, और बहुत 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 लोगों का प्राण भी जाने वाला है इससे। 2013 में जो केदारनाथ में ट्रेजेडी हुआ था, क्या 10 साल बाद 2023 में फिर से वही होने वाला है? दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आपके मतदान दें और लिखें आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो पहली बाबा आगे बताते हैं कि और ज़्यादा और बड़ा होने वाला है, जो 5 तत्व एक साथ प्रलय ढाएंगे। अब सब जो हो रहा है वो बस एक ट्रेलर है, आगे सब और भयानक और बहुत ही बड़ा होने वाला है। ओडिशा में भी अभी फिलहाल में मालकानगिर में जो भूस्खलन हुआ था उससे बहुत परेशानियां हुई थी लोगों को। आगे भी ऐसे बहुत सारी विपत्तियां आने वाली है ओडिशा में, जैसे खतरनाक क्षेत्र में आपका अनुकूल है, तालचेर है, वहाँ भी बहुत सारे कुछ होने वाला है। बाबा बताते हैं कि बल्कि ओडिशा में नहीं, उत्तराखंड में भी कुछ महीने पहले हमने देखा था जोशीमठ में, जो कैसे पूरा गांव में रास्ता, घर सब में दरार आ गया था और लोगों को वहां से हटाना पड़ा था। बहुत सारे गांव उत्तराखंड में ज़मीन के नीचे दब रहे हैं, जैसे घरों में, रास्तों में दरार आ रहे हैं,
और लोगों को बहुत परेशानियां भी हो रही है, लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है। पहली बाबा बताते हैं ये सब खंड प्रलय है, संपूर्ण और ब्रह्म प्रलय अगर होगा तब कुछ नहीं बचेगा। ब्रह्म प्रलय में आपका सूर्य, चंद्र, पाताल, स्वर्ग, नक्षत्र सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, सब फिर से नए से आरंभ होता है। ब्रह्मा जी को जब 100 साल हो जाता है तब ब्रह्म प्रलय होता है। अब ब्रह्मा जी को 50 साल हुए हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4.32 अरब साल हैं, जिससे हम कल्प भी कहते हैं। एक दिन का ब्रह्मा जी को हम कल्प भी कहते हैं। बाबा कहते हैं पहले भी ऐसे जल प्रलय, भूकंप या चक्रवात होते थे, लेकिन छोटे होते थे, छोटे आकार में होते थे वो। मगर अभी ये सब बहुत बड़े आकार में हो रहे हैं और धर्म हमें सभी को एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि ताकि हम सब सुधर जाए और सच के धर्म के पथ पे चले, वरना बहुत बड़े प्रलय आने वाले हैं और इस प्रलय से बचना बहुत ही मुश्किल है। बस जो सब भक्त हैं, जो प्रभु के चरण में खुद का समर्पित किए हुए हैं, वही सब बचेंगे और जो पापी है उनका अंत तो निश्चित है। बाबा आगे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने देवकी को जो कहा था, कलयुग के अंत के समय मुझे मेरे भक्त चाहिए। सब देवियों को जिम्मा दिया गया है अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, जैसे माँ सारला, माँ कटक चंडी, माँ समलेश्वरी और भी बहुत सारे देवियाँ हैं जिनको प्रभु ने जिम्मा दिया है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और कलयुग का अंत जब आएगा जब तब प्रभु उन देवियों को अपने भक्तों की रक्षा के लिए बोलेंगे और सतयुग में वही भक्त आगे जाने वाले हैं। दोस्तों ये सब किसी को डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस आप सच के मार्ग पर चलिए, सत्य के पथ पर चलिए, धर्म के पथ पर चलिए, प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कीजिए, सब अच्छा होगा। चलिए इसके साथ हम समाप्त करते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।